आवाज की पहचान भारत रत्न लता मंगेशकर का आज 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया भर में दशकों तक राज करने वाली सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में एक छत्र राज किया। मंगेशकर ने 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। काफी दिनों से खराब थी तबीयत। जनवरी में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुंबई के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। बाद में वो निमोनिया से पीड़ित हो गई। हालत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। उनकी हालत में सुधार के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट हटा भी दिया गया, लेकिन 5 फरवरी को उनकी स्थिति बिगड़ने लगी और उन्हें फिर से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। आखिरकार 6 फरवरी को स्वर कोकिला ने आखिरी सांस ली। कई दिग्गज हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता ताई के साथ कई तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, दयालु और सबका ध्यान रखने वाली लता दीदी हमें छोड़ गई हैं। वो हमारे देश में ऐसी शून्यता छोड़ गई हैं जो कभी भर नहीं सकेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है।